नमस्ते शख्स, मैं कल्याणी शाह, डायरेक्टर और को फाउंडर। आई एम 43 ईयर्स ओल्ड। मैं बिपिन शाह, सलाहकार और डायरेक्टर, 69, वलसाड़ गुजरात से, सिटी ऑफ मैंगो। मैं तन्मय शाह, फाउंडर और CEO, और मैं 39 ईयर्स का हूँ। और हम है मॉरिको प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। हम यहाँ हमारे पापा का सपना पूरा करने आए हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर वर्ष खेत उत्पादनों का 15% से ज्यादा अवशिष्ट यानी वेस्ट के रूप में फेंक दिया जाता है, क्योंकि उसको सड़ने से बचाने का कोई उचित उपाय नहीं है और किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल रहा है। मार्केट में फर्स्ट सॉर्टिंग जो सबसे खूबसूरत दिखने वाला बढ़िया सा बड़ा सा फ्रूट होगा वो बिकेगा। थोड़े कम दामों में थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा कम कलर वाला फ्रूट बिकेगा, लेकिन उन फलों का क्या जो साइज में कम है, कलर में कम है, दिखने में कम है, गुणवत्ता में कम नहीं है, किसान वो फ्रूट बेच नहीं सकते। उसकी वजह से या तो वो फ्रूट चला जाता है कोई भी कचरे में, या वो फ्रूट चला जाता है कंपोस्टिंग में। किसान को उसका पैसा नहीं मिलता। हमने एक बात सोची कि भाई भारत में 300 दिन सूर्य अवेलेबल है, तो क्यों नहीं हम सोलर बेस कुछ काम करें। और तब जाके कामधेनु फूड्स की एक रचना हुई। सोलर डिहाइड्रेशन की मदद से हम मुंह में पानी लाने वाले स्वादिष्ट, स्वस्थ, पौष्टिक और सबसे बेहतरीन फल आधारित बार्स, रोल्स, स्लाइसेस और पाउडर्स का निर्माण कर सकते हैं। सोलर डिहाइड्रेशन की इस तरीके की उत्पादन के लिए हम भारत की एकमेव कंपनी है। तो दुनिया के हेल्थ स्नैक नक्शे पर भारत का स्थान रखने का यह एक क्रांतिकारी मौका है, और इसीलिए हम आज आपके समक्ष अपनी कंपनी के 3% इक्विटी के बदले 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं। क्या है ये? वाची। क्या होता है वो? अमृत मिर्ची डाल के। ओ, आपको मुझे देख के पता चल गया मुझे क्या पसंद आएगा। लड़कियों को शायद ऐसा पसंद है। जहाँ से ये आया है उससे कई ज्यादा अवेलेबल है। हम ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग APMC और किसानों के साथ टाई अप करके इन्हें सोर्स करते हैं अपने प्लांट तक लाने के लिए। तो मैं एक चीज पहले समझना चाहूंगा, आप तीनों मिलके बिजनेस चलाते हैं या सर ने बिजनेस शुरू किया, आपने टेक ओवर किया, ये क्या है कहानी, एक बार बताएंगे? पिताजी हमें गाइडेंस देते हैं। इनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल बहुत ही बढ़िया है। इवन एट दिस एज एंड बीइंग फास्टिंग सिंस पास्ट 22 इयर्स, ये हमारे साथ सुबह 4 बजे उठ के मार्केट आते हैं, प्रोड्यूस चेक करते हैं। तो ये हो गया सिलेक्शन पार्ट। मैं कभी बुढ़ा था नहीं, हूं नहीं और होने वाला हूं। कोई मुझे बोलेगा कि उम्र हो गई तो मैं बोलूंगा भाई बुढ़ा होगा तेरा बाप। थोड़ा निजी सवाल है अगर मैं पूछ सकूं। हाँ जी। 20-22 साल से फास्टिंग कर रहे, इसका क्या मतलब है? I am a Jain, we follow Jain traditions. अभी जो मेरा व्रत चल रहा है 52 दिवस का है, उसमें एक बार खाना खाता हूँ सूखी रोटी, दाल या खिचड़ी। उसमें सिर्फ नमक होता है और कुछ भी नहीं होता, कोई मसाला नहीं, कोई तेल नहीं। आज मेरा 42nd डे है। आपको कमजोरी नहीं महसूस होती? आपको लग रहा है कमजोरी? अरे बाप रे, वो मुझे थका देते हैं। वेरी गुड आंसर अंकल, फैंटास्टिक। पहला तो तुमने मळीन बहुत सारू लाग्यू मने। अरे वाह, बहुत सारू लाग्यू। और तुम्हारी तुम्हारी बातों सांभळीन तो इतनी मजा आई मने। यहां तुम्हें जारे उभा रहा था जी, बहुत सारू लाग्यू। अब बहुत ही बढ़िया विजन है आप लोगों का। थोड़ा सा मैं नंबर्स पे आना चाहूंगी जी सर, कि एग्जैक्टली आपका लेटेस्ट जो था टर्नओवर क्या है और प्रॉफिट्स क्या है। जी बिल्कुल। मॉरिको प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड 2016 में हुआ। 2018 से हम नॉर्मल प्रोडक्शन में आए। 2018 से लेके अब तक हमने 5,95,00,000 595 करोड़ का सेल कर चुके हैं। उसमें से लास्ट ईयर 1,43,00,000 का किया, और अब तक इस साल 2021 6 महीने में हमने करीबन 1 करोड़ का सेल टच कर चुके हैं डिस्पाइट कोविड लास्ट ईयर। ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये कामधेनु फूड्स क्या है और मॉरिको फूड्स क्या है? 2002 में पिताजी ने जो ड्रीम देखा था तब कामधेनु फूड्स के नाम से हमने ये पूरी हमारी रेवोल्यूशन शुरू की थी। समय जाते जाते हमें ऐसी ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ा। काफी टाइम ऐसा भी आया कि हमें बंद करने की नौबत आ गई। हमने ऐसी तकलीफें भी देखी कि जब हमारे पास लेबर को भी सैलरी देने के लिए इतना फंड्स अवेलेबल नहीं था। 2013 जब वलसाड़ में फ्लड आया था, बहुत हैवी रेनफॉल था, 90% कंपनी बंद कर देना पड़ा।
ये तो पूरा डिस्ट्रिक्शन खराब ही हुआ है, अभी आप हालत देख ही रहे। पर्टिकुलरली मानसून के सीजन में पानी बहुत ऊपर आ जाता है, और ऊपर से भी पानी आता है, नीचे से भी आता है, तो हमारा बहुत तकलीफ होता है। तब जाके एक हमने सोच लगाई कि हम काम तो यही शुरू रखेंगे, हम हौसला नहीं हारेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ये पूरी जर्नी आगे बढ़ाने के लिए हमने मॉरिको प्योर फूड्स का एक सपना देखा। मैं थोड़ी सी भावुक हो गई थी क्योंकि इनको मैंने रोते देखा, एक्चुअली, और उससे मुझे मेरे पापा की याद आ गई और उन्होंने कितने मुश्किलों का सामना किया है। वो समय ही ऐसा था। उसकी मुझे याद आ गई और मैं हूँ, मतलब 15 साल से बिजनेस में हूँ, मैंने देखा है ये सब और मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ, वो मेरे हीरो है। आपको देख के मुझे मेरे पापा की याद आ गई। वो कंपनी आपने बंद कर दी, सिर्फ ब्रांड रखा हुआ? जी हाँ, रिटेल कामधेनु फूड्स के नाम से। अच्छा, रिटेल कामधेनु के नाम से। जी हाँ। कंपनी का नाम मॉरिको है? जी हाँ। सर एक चीज बताओ, मेरे को ना आपका बिजनेस बहुत अच्छा लगा, बिजनेस से ज्यादा मुझे लोग आप बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। अंकल बहुत अच्छे लगे, अंकल की टोपी बहुत अच्छी लगी, अंकल का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। अरे अंकल मत बोलो ना फिर। आई एम विपिन। मैं बोलूंगा सर, क्योंकि मेरे को ना अपने नाना की याद आ रही है। थैंक यू। मुझे खाली 3 क्वेश्चन करने हैं। जी। पहला, आप ये बेचते कहाँ हैं? हमारे पास 2 मॉडल्स हैं। ये एक B2C मॉडल है जो डायरेक्ट कंज्यूमर को जाता है, और हमारा जो सबसे बड़ा मॉडल है B2B, जिसमें हम सप्लायर्स हैं बहुत सारी वेल नोन ब्रांड्स का, जैसे योगा बार, पेपर बोट, ASAP, मोजो बार, केलॉग्स। ठीक है, D2C में आप कहाँ बेचते हैं? B2C में हम Amazon पे बेचते हैं, हमारा मेजर B2B है एंड एक्सपोर्ट्स। सेकेंड क्वेश्चन है, आप खाली, आपकी सेल इतनी कम क्यों है? सर सेल इतनी कम है क्योंकि ये कैटेगरी को डेवलप करते 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 सर नाक में दम आ गया। अब जाके कोविड आया, सबको हेल्थ में पता चला, तब जाके जो बूस्ट मिल रहा है हमें इस फिनोमिनल। थर्ड क्वेश्चन, आपके कोई इन्वेस्टर्स हैं या नहीं है? जी नहीं सर, मैं नहीं किया सर, पहली बार आया। आप हैं इन्वेस्टर। ही इज आवर बिगेस्ट इन्वेस्टर। ग्रोथ कहां से लाओगे आप B2B में? कैसे बढ़ाएंगे और कितना बढ़ाएंगे? ब्रेकफास्ट सीरियल्स, म्यूसलीस, एनर्जी बार्स, प्रोटीन बार्स, आइसक्रीम्स, मिल्कशेक, बेकरी, इन सारों को डिहाइड्रेटेड फ्रूट की रिक्वायरमेंट है अपने प्रोडक्ट के लिए। अभी तक सारा का सारा मेजोरिटी इंपोर्ट हो रहा था, एंड वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स इन इंडिया। अच्छा, वेरी गुड। मुझे इस बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, हम सबको है। मुझे लगता है B2C में भी बहुत अच्छा बिक सकता है, आपने अभी तक वो फोकस नहीं किया, और हमें B2C आती है। तो हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शार्क आपके साथ आना चाहते हैं। अरे वाह अनुपम, तुम भी? हाँ जी। हाँ जी। अगर आप आना चाहेंगे? नहीं, ये वाला मैं स्किप करूंगी फॉर वन रीजन के इसमें जो इनका एक्सपर्टीज है ब्रांड बिल्डिंग का इन दिस एरिया, जी, तो आई थिंक आपके लिए वो ज्यादा काबिल है। मैं आउट हूँ। थैंक यू। तो हम 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। जी। चारों शाख आएंगे आपके पास, लेकिन इक्विटी बहुत कम लग रही है हमारे को, तो हम लोग 25% लेंगे 1 करोड़ देने के लिए। तो ये आप हो गए 4 पार्टनर, 1 पार्टनर आप, 1 आप, 1 आप और 1 हम सब मिलके 1, तो 25 25 25 25 करके मिलके हमारा 100 बना। ये हमारा ऑफर है। अब आपका क्या? 2 मिनट। हाँ, मैं थोड़ा ले लीजिए 2 मिनट। It's not an easy decision. I mean, they came here with 3% and now 25. बहुत काम है यार। काम है, लेकिन फ्रेंकली बताऊं, D2C में इनको इनकी पैकेजिंग भी मस्त है, सही है। इनको कुछ नहीं करना, इनके खाली दरवाजे खोलने हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। मेहनत कहाँ नहीं है भाई। खूब खूब धन्यवाद आप सबका। 4 लोग जुड़ने के लिए तैयार हुए हैं। हमारे लिए इतनी बड़ी इक्विटी गिव अप करना अभी बहुत ही मुश्किल है। 1 करोड़ की हम आस्क आपसे रखते हैं फॉर 8% इक्विटी, 2% ईच। यार 5% के अंडर से तो ये बिस्तर से नहीं निकलते हैं। तो नहीं, सही सही बात है सर, मगर है ना, तो यार ये तो नहीं हो पाएगा हमसे। हम भी आपके साथ होना चाहते थे,
लेकिन क्लोज सपोर्ट चाहिए, कभी बाहर भी मिलेंगे तो आपको एडवाइस देंगे कैसे करना है क्या करना है, लेकिन इससे कम हमसे नहीं हो पाएगा। Sad to hear that. All the best. Thank you so much. Thank you. मेरी एक लास्ट एडवाइस है। जी सर। विपिन भाई को पैकेट पे लगाओ और विपिन भाई को ब्रांड एम्बेसडर बनाओ। और वो टोपी के साथ। है ना? टोपी ने नीचे सूचे तमने खबर नहीं थी। तू खबर चे मने। Thank you so much. Thank you so much.